हे एवरी वन, हाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है सैटरडे और आज है वसंत पंचमी। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी वसंत पंचमी। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि वसंत पंचमी वाले दिन जो स्पेशलिटी होती है वो होती है येलो कलर की। तो येलो कलर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है वसंत पंचमी में, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी आज येलो पहना है। और आज दोपहर में जो लंच प्रिपेयर होता है उसमें तहरी बनती है, बिकॉज़ तहरी ऑफकोर्स येलो ही होती है हल्दी की कलर की वजह से। तो आज का जो स्पेशल लंच होता है वो होता है तहरी, उसके साथ कुछ चटनियाँ भी होती हैं एंड घी, पापड़, दही, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। तो मैं आपको लंच में तहरी ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल सुबह का टाइम है तो अभी बन रही है चाय। मैं आपको लेकर के चलती हूँ डायरेक्ट चाय के पास, आ जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है बसंत पंचमी और इस दिन बनती है तहरी। इस दिन की स्पेशलिटी तहरी होती है, तहरी के अलावा कुछ नहीं बनता। क्यों मम्मी, तहरी के अलावा कुछ नहीं बनता? तो बनी है आज तहरी, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्लेट। काफ़ी इसमें मम्मी ने चटनी वगैरह भी प्रिपेयर करी है, दो तीन तरीके की चटनी है, पापड़ है और तहरी है। मैं आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ। आई तो ये है मेरी प्लेट, आप देख सकते हैं तहरी एकदम गर्मा गर्म है, इससे अभी भी धुआं निकल रहा है। ये है इमली की मीठी चटनी, ये है इमली की खट्टी चटनी, इसमें मम्मी ने धनिया भी ऐड करी है इस वजह से ये ग्रीन दिख रही है। ये है टमाटर की चटनी, ये है तहरी एकदम गर्मा गर्म, खूब सारे मटर डाले मम्मी ने इसमें, और ये है पापड़। तो बस ये आज का स्पेशल थाली है जी। मैं अपना लंच करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे, आ जाइए मेरे साथ। क्या आपको इसके हाथ में कुछ दिख रहा है? लाया ये अपने लिए है, लेकिन दिल मेरा गार्डन गार्डन हो रहा है। लाओ दो तो ये व्यापक लेकर के आया है। आई एम नॉट अ चॉकलेट फैन, मतलब खाओ खाओ और एक मुझे भी दो अभी का अभी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम दो या ना दो, मुझे अभी का अभी चाहिए, अभी का अभी लाइव। वैसे मुझे व्यापक से इतना मांगने की जरूरत पड़ती नहीं है, व्यापक इज अ गुड बेबी। ये मुझे दे, ये जो भी चीज लेकर के आता है तो शेयर करता ही है। काल्पनिक बातें, ये काल्पनिक बातें नहीं है ये दोस्तों, एकदम सच बात है ये। लाइए लाइए। दिया नहीं जा रहा लेकिन ले लो। तो मुझे मिल चुकी है मेरे हिस्से की। आप देख सकते हैं ये उस चॉकलेट का कितना परसेंट होगा, बट आई एम हैप्पी विद दिस बिकॉज एज आई टोल्ड यू ऑल कि आई एम किट कैट लवर, मुझे डेयरी मिल्क इतनी पसंद नहीं है, तो इतनी काफ़ी है। चलो तुम इंजॉय करो, हम जा रहे हैं पूरी निकलवाने, मम्मी मेरा किचन में वेट कर रही है। आई आर यू ओके? मम्मी चॉकलेट खाओगी? खा लूँ? तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज है बसंत पंचमी और आज के दिन कच्चा खाना नहीं बनता है, तो लंच में तहरी बनी थी, अभी लाल वाले जो आलू होते जिनको नवाब गंजी बोलते हैं वो बनाया, और पूड़ी। मम्मी अभी पूड़ी बेल रही हैं और मुझे पूड़ी निकालनी है, तो मैं विदाउट एनी फर्दर डिले मैं जाती हूँ मम्मी की हेल्प कराने। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हैं वो नवाबगंजी आलू जिनको लाल आलू भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, उसमें से अभी धुआं निकल रहा है। लाल आलू अलग होते हैं।
अलग होते हैं पक्का? हाँ। अच्छा तो ये नवाब गंजी हैं, लाल आलू नहीं है, मम्मी ने मुझे करेक्ट किया, इससे अभी भी धुआं निकल रहा है और हम सब लोग खा भी रहे हैं साथ में, तो इस वजह से ये कम है। तो ये ऐसे दिखते हैं, और मैं पूड़ी भी दिखाती हूँ आपको, जो ये नहीं गर्मा गर्म पूड़ी। मैं अपना डिनर करके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। Can you see those eyes? नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, नो क्राइज नो क्राइज। आई थिंक टाइम हो रहा होगा 10, हाँ मेरे ख्याल से 10 तो बज गया है इस समय। काफ़ी ठंडा हो रहा है यार आज वेदर, आज आसमान भी एकदम खुला हुआ है, लाइक मुझे तारे दिख रहे हैं, आई कैन सी द स्टार्स। थोड़ी देर पहले तो मून भी दिख रहा था बट अब वो नहीं दिख रहा है, मुझे ठंड लग रही है। लेट मी एकदम जैसा कि आप देख सकते हैं कि एकदम अंधेरा हो रखा है और इस फ्लैश लाइट की वजह से मुझे और नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ चल रही हूँ। दिख तो साफ रही है छत। छत तो साफ ही दिख रही है यार, आज काफ़ी जगह आई कैन सी कि घर वर सब सजे हुए हैं, मतलब आज शादी वादी लगता है लोग के घर में है। एक भी इनविटेशन मेरे को नहीं आया, इतने घर में शादी है लेकिन एक इनविटेशन नहीं आया मुझे, आई एम सो अपसेट, सो अनोइंग यार। अरे कितना ठंडा ठंडा हवा चल रही है यार, मतलब मज़ा ही आ रही है एकदम, क्या ही बताया जाए। बसंत पंचमी थी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज येलो यू नो पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लाइक फ्रॉम वेयरिंग येलो टिल हैविंग येलो फूड इन योर मील, येलो फूड इन द सेंस येलो कलर्ड शुड बी येलो कलर्ड फूड। तो वी हैड तहरी, तहरी आज के दिन की स्पेशलिटी होती है, तो हम लोग ने वही खाया आज, बहुत ही स्पाइसी बनाई थी मम्मी ने आज, चटपटी जिसको कहते हैं ना वैसी थी, चटनियाँ भी टू गुड, क्या ही मैं बताऊँ आपको चटनी के बारे में, बहुत ही बढ़िया चटनियाँ थी। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में सोने, बट मेरा आज मन कर रहा था कि यार ऊपर आऊँ मैं थोड़ी सी वॉक ले लूँ, काफ़ी ठंडा वेदर हो रहा है, वैसे भी विंटर्स में जब स्काई खुला होता है तो ठंड ज़्यादा होती है और फॉग भी गिरता है, पर अब देखते हैं अगर कल फॉग हुआ तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कल धूप भी खिल जाए, बट यू नेवर नो, वेदर इज़ ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। तो भाई मैं पापा को देख सकती हूँ यहाँ से, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पापा इधर हैं, आइए आइए मैं आ रही हूँ नीचे,
आ रही हूँ कमरे में। तो पापा को मैंने देखा ऊपर से, वो गए हुए थे पास पर, अभी लौट रहे हैं घर। चलिए फिर मैं भी चलती हूँ नीचे, मेरे हाथ वगैरह सब ठंडे हो चुके हैं। और मैं काफ़ी देर से वैसे यहाँ पे थी, मैंने वीडियो काफ़ी लेट स्टार्ट करी है, बट ठीक है फिर मैं चलती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस व्लॉग पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट, बाय।